तो हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज मैं तुम लोग को सिखाने वाला हूँ हाउ टू फायर बॉल जम। जैसे कि ये देखो, वो मजा आया ना। एक बार फिर से करके दिखाता हूँ, मजा आया। हाँ तो ये तुम लोग पॉकेट में भी कर सकते हो, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो मैं पूजा लॉन्चर के लिए बता रहा हूँ। मैं देने वाला हूँ आपको 3 टिप्स जिससे आप लोग ऐसे एक्सीलेंटली फायर बॉल जम कर पाओ। एंड ऐसे भी कुछ सीक्रेट्स जो मैं यूज़ करता हूँ फायरबॉल जंप को। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो अगर आपको ऐसी जंप करनी होगी तो आपको एक चीज़ पे ध्यान रखना है, मोमेंटम। फर्स्ट पॉइंट यही है, मोमेंटम। मोमेंटम एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जब आप फायरबॉल जंप करते हो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि तुम लोग अगर FI दबा के फायरबॉल जंप करोगे, देखो ऐसा होगा, ऐसा वो नहीं होना चाहिए। देखो ऐसे तो मैं पहुंच तो जाऊंगा, बट ये लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए क्या करना है, स्प्रिंट करना है और आखिरी ब्लॉक पर ये करना है। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, ये किसी किसी के वीडियो में भी पता होता है कि स्प्रिंट करके फायरबॉल करना है। हाँ देखो, स्प्रिंट करके करना है, बट मोमेंटम वगैरह इसको बहुत ध्यान रखना है। देखो अब ये बहुत ज़्यादा दूर है, तो मैं वो स्प्रिंट फायरबॉल वाली टेक्निक नहीं लगा सकता। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ करूँगा जिसको बोलते हैं फार स्प्रिंट। हाँ मतलब वैसे स्प्रिंट करके जाऊँगा और एक ब्लॉक पहले फायर बॉल मारूँगा, जिससे क्या होगा तुम लोग देख लो। हाँ तो ये देखो, हमारा आइलैंड है उस तरफ, सो मैं क्या करूँगा, इधर एक बार मैं 3D स्किन लेयर्स ऑन कर लेता हूँ, अच्छा दिखता है वो। नहीं सॉरी। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, तुम लोग को ये जो ब्लॉक आउटलाइंस होती है ना, वो ऑन कर लेनी है। एंड अगर तुम्हारे पास लूनर क्लाइंट नहीं है, तो मैं एक क्लाइंट लॉन्च करने वाला हूँ, एरिल फॉल्ट version 1। एंड इस वीडियो पे अगर 35 लाइक्स आ गए तो मैं उस क्लाइंट को जल्दी लॉन्च कर दूंगा। उसमें फीचर होने वाला है ब्लॉक आउटलाइंस। एंड अगर अच्छा सपोर्ट मिला तो मैं बाद में भी 1.8.9 से भी ज़्यादा वर्जन्स बनाऊंगा। एकदम फेदर जैसा तो नहीं, बट लूनार और फेदर जैसा तो होने ही वाला है वो। एंड आपको ब्लॉक आउटलाइंस ऑन कर लेनी है, कितनी वो आप डिसाइड कर सकते हो। देखो लाइक, और 3D स्किन लेयर भी मैं ऑन कर रहा हूँ जस्ट फॉर टाइम पास। इससे तो FPS ड्रॉप हो रहा है, बट ये कितना मस्त दिख रहा है सब कुछ बताए। ऐसा ही मैं एक इफेक्ट डाल देने वाला हूँ मेरे क्लाइंट में खुद के, एंड ये इससे FPS थोड़े ड्रॉप होंगे, बट रिप्ले वगैरह बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ तो अब क्या करना है, ये इतनी दूर की है ना, तो मैं एक बार तुम लोग को करके दिखाता हूँ कि गलती क्या हो सकती है और सही क्या हो सकता है। देखो अब ये ब्लॉक आउटलाइन दिख रही है, एग्जैक्ट हम जिधर है ना उसके 3 ब्लॉक्स आगे जाना है, एंड फिर ये जो बटन है वो दबाना है। ये हर जगह काम नहीं करता, तो तुम लोग को थोड़ा सा पीछे से फायरबॉल ऐसा ब्लास्ट करना है। देखो 1, 2, 3, 4, तो मैं 4 तक पहुंचूंगा, तब तक 2 फायर ब्लास्ट हो जाना चाहिए। ये देखो 1, 2, 3, 4। हाँ तो मैं 4 तक पहुंचा, तब मैंने 2 सेकेंड ब्लॉक पे फायर ब्लास्ट कर दिया था। ये देखो मैंने भी यहाँ पे वही करा, बट एक्चुअली यहाँ पे मेरे से थोड़ी गलती हो गई थी जिससे मैं नीचे भी गिर सकता था, तो वो आपको नहीं करना है। मतलब अगर शॉर्ट डिस्टेंस हो ना तो आप एकदम ऐसा एज ब्लॉक के एज पे भी कर सकते हो, बट वो नहीं करना चाहिए। ये देखो अब ऊपर की जंप पे आते हैं। हाँ ऊपर की जंप हम लोग को कैसे करनी है वो भी मैं बताऊंगा, बट पहले एक बेसिक क्लियर कर लेता हूँ। अगर नीचे की जंप मारनी है तो तुम लोग को ज़्यादा बाउंस की ज़रूरत नहीं होती है, तो ऐसे करना है। एक बार ट्राई कर लो कैसा होता है, बाउंस कितना मिलता है और किस टेक्निक से। ये देखो ये कितने ब्लॉक से, हाँ इस ब्लॉक से मैं फायरबॉल करूँगा, हो गया। हाँ ऐसे ही करना है तुम लोग को भी। एंड अगर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो माउस का जो साइड वाला बटन है उसको FI पे सेट कर लो। मैं क्या कह रहा था, 1, 2, 3। हाँ ऐसा 3 ब्लॉक जब तुम लोग पीछे होंगे ना, एग्जैक्ट तीसरे ब्लॉक पे फायरबॉल को ब्लास्ट करना है। ये देखो इधर मैं इस आयरन ब्लॉक पे ब्लास्ट करके देखने वाला हूँ। ये देखो 1, 2, 3। हाँ पहुँच गया ना, तीसरे ब्लॉक पे ब्लास्ट करना है ऐसी सिचुएशन में जब हम लोग चौथे ब्लॉक पे रुकेंगे।
चौथे ब्लॉक पे जंप मारनी है, मतलब चार ब्लॉक्स होने चाहिए, उसमें तीसरे ब्लॉक पे फायर बॉल प्लेस करना है और चौथे ब्लॉक पे जंप मारनी है। ये देखो ऐसे, अब ये तो तुम लोग को नहीं हो पाएगा बिकॉज दिस इज वेरी टफ। मैं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं लाइक बहुत दिनों से इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देखो एक दो तीन, यस ऐसे ही होता है। बट आपको ना एम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका। एम थोड़ा सा भी चूक गया तो गड़बड़ हो जाएगी, एम थोड़ा चूक गया तो तुम लोग मर जाओगे। देखो मैं ऐसे, तुम लोग ने सोचा होगा कि नीचे वाला है तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं जंप मार के, बट नहीं होता वो। हाँ ये ऐसे भी हो सकता है, तुम लोग को ना खुद डिसाइड करना पड़ेगा जितना डिस्टेंस है। एक दो तीन, ये देखो हो गया। अब ऊपर तक जाना है तो हाँ ऐसे नहीं करते। मैं बेसिकली क्या बता रहा हूँ, ये ऊपर तक जाने वाला ना बहुत हार्ड होता है, मुझे भी कभी कभी ये नहीं जम पाता। ये देखो अब तुम लोग को इस सिचुएशन में क्या करता है मैं दिखाता हूँ। एक ब्लॉक पीछे वाला जो होता है उस पे तुम लोग को फायर बॉल बस्ट करना है, मतलब चार ब्लॉक मान के चलो और तीसरे ब्लॉक पे तुम लोग को फायर बॉल डालना है। ये देखो मैं दिखा रहा हूँ। ओ, 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 हो गया हो गया, वैसे ही करना है। देखो मैं ये टेक्निक सीख भी गया, तो मैं क्या बता रहा था वही कि तुम लोग अगर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से जम जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं जमेगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ऐसे और ट्यूटोरियल चाहिए तो बता देना, और 35 लाइक्स का ग्रुप कर है तुम्हारा भाई, जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।